नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदना और मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूं आलू मेथी पनीर। तो उसके लिए मुझे जो चाहिए वो है पनीर 200 ग्राम, आलू 3, मैं इतने साइज के आलू लिए 3 काट के रख दिए, और 4 प्याज लिए इतने साइज के। यहाँ से मैं 2 छोटा छोटा बारीक कट के रख दिया प्याज, और 2 कट के रखा ये साइज करके। इसको मुझे पीसना है बाद में। और मुझे चाहिए 2 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 3 तेजपत्ता और 2 सूखी मिर्च, और 3 मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा सा कैप्सिकम, और चाहिए थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च, 4 लौंग, 2 इलायची और 2 दालचीनी, और चाहिए व्हाइट ऑयल, हल्दी, थोड़ा सा घी चाहिए, और स्वादानुसार नमक और चीनी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते। पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। उसके बाद मैंने ये जो काली मिर्च मैंने रखी थी, ये काली मिर्च चार लौंग, इलायची, 2 छोटा छोटा दालचीनी, और ये जो 1 टीस्पून जीरा रखे थे, ये जीरा, और ये जो 1 टीस्पून धनिया रखे थे, ये धनिया, और 1 सूखी मिर्च में सूखी कढ़ाई में भूज लूंगी, थोड़ा सा भूज लूंगी, ज्यादा नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा ये खड़ा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है। इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो इसको मैं एक कटोरे में उठा लेंगे। अब मैंने 4 टीस्पून व्हाइट ऑयल कढ़ाई में दे रहे हैं। हमें पनीर को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक दिया पनीर में, देखिए दोस्तों, मेरा ये पनीर हल्के से फ्राई कर लिया मैंने। अब मैं इसको और एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। अब मैं कढ़ाई में और 2 टीस्पून ऑयल दिया, और ये जो मैंने आलू कट के रख दिए थे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये आलू फ्राई हो गया, और ये आलू
अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने। देखिए आप देख ही सकते हैं अच्छे से मेरा ये आलू फ्राई हो गया। अब मैं इसको भी अलग प्लेट में सेट कर लूंगी। अब मैं 2 टीस्पून ऑयल कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ, और जो मैंने प्याज बारीक कट के रखी थी 2 प्याज वो मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी, फिर उठा के रख देंगे ये प्याज। प्याज के अंदर मैंने पूरा सा चीनी ऐड करूंगी क्योंकि इसमें प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो देखिए दोस्तों मेरा ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं इसको भी अलग प्लेट में शिफ्ट कर लूंगी। मैं ये जो खड़ा मसाला सूखा कढ़ाई में फ्राई करके रखे थे पहले, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 सूखी मिर्च, 2 इलायची, 2 दालचीनी और 4 लौंग, और उसके साथ मैंने 1 हरी मिर्ची ऐड किया ये, और अदरक लहसुन प्याज और टमाटर को एक साथ मैंने पीस लेंगे। देखिए दोस्तों मेरी ये मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी, इसके बाद थोड़ा सा जीरा इसके अंदर ऐड करती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए 1 सूखी मिर्च और 3 तेजपत्ता मैंने दे दिया, थोड़ा सा फ्लेम हाई किया। अब मैंने वो जो मसाला पीस के रेडी कर लिए वो मैं इसके अंदर दे दूंगी। मैं इसके अंदर अब ये जो मैं कसूरी मेथी रखी थी वो मैं ऐड कर दूंगी, 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कैप्सिकम रखे थे वो भी ऐड कर दूंगी। और स्वाद अनुसार नमक, और स्वाद अनुसार चीनी ऐड करूंगी। और छोटा सा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। देखिए दोस्तों मेरा ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो आलू फ्राई करके रखे थे ये ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। अब लास्ट में ये पनीर मैं ऐड कर दूंगी। पांच मिनट तक इसको रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मेरा ये आलू मेथी पनीर एकदम बन के तैयार हो गया है। लास्ट में ये प्याज जो मैं पहले भूज के रख दिए थे ये मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर
बस मेरा आलू मेथी पनीर बनके रेडी हो गया है। अब ये सर्व कर दूंगी सर्विंग बोल में। देखिए दोस्तों, मेरा ये आलू मेथी पनीर बनके तैयार हो गया है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।